देखिए ये अलमिया हमारे साथ हर साथ हमारे नौजवान इसी तरह अपनी जानों का नजराना इस पहाड़ पे देते हैं, मरघंटा पे देते हैं। हमारी पहली डिमांड है कि फौरी तौर इनको रेस्क्यू किया जाए, आर्मी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करके इन सबको रेस्क्यू किया जाए। ये आज ही वाकया आज का नहीं, ये बार बार हमारे साथ होता है, हर महीने होता है, हर साल होता है, क्योंकि हमारी जो परमानेंट रोड कनेक्टिविटी की डिमांड है कि आप हमें ऑल वेदर रोड दीजिएगा, टनल की शक्ल में छतबल दर्दपुर टू सुदरमन या अच्छा वहाँ छात्रू टू मड़वा आप टनल दीजिएगा, ताकि इन इन वाकयात का सामना हमें ना करना पड़े। हमारे ऐसे वो जहूर जैसा नौजवान, वो कयूम जैसा, रशीद जैसा नौजवान जिन्होंने अपनी जाने इस मरघन टाप पे दी, लेकिन सरकार सोई है। सरकार हमें समझ नहीं आता है, क्या सरकार हमें इंसान नहीं समझती है? क्यों हमारी जानों के साथ सरकार बार बार खेलती है? हमने सरकारें भी बदली, पहले एक सरकार फिर दूसरी सरकार, ये ना ये सरकार हमारे काम करे, लेकिन हर बार हम नाकाम होते हैं, हर बार सरकार फेल होती है हमें ये सब सुविधाएं देने में। फिरदौस अहमद खांडे और मैं आपकी वर्धन से बिलोंग करता हूँ, और परसों जो वादसा पेश आया उसमें से दो मेरे कजिन्स हैं, बाकी भी मेरे सारे रिलेटिव्स हैं। तो 22 फरवरी को पे ये हादसा पेश आया, तो 5 AM वो यहाँ से मतिगारों से निकले हैं, मतिगारों से जब वो निकले हैं वो 8:30 बजे मरघन टॉप पे पहुँचे। उन्होंने वहाँ से कॉल की, उन्होंने वहाँ पे वीडियो कॉल की, हाँ हम पहुँचे मरघन टॉप पे। तो उसके बाद तकरीबन 22-23 घंटे के बाद हमें पता चला कि वो कहीं स्टक हुए हैं स्नो में। तो अभी तक तकरीबन आज 52 घंटे हुए। तो हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन की जाए।